लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। सपा के बागी नेता अजय श्रीवास्तव ने कहा, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और रहूंगा। पार्टी ने कार्यकर्ता और जनभावनाओं को ठेस पहुंचाया है और यहां से एक भ्रष्ट आदमी को टिकट दे दिया है, जिसने 5 वर्षों तक विधायक बनकर सिर्फ जनभावनाओं संग खेला है, लूट भ्रष्टाचार किया है, जिसने गाँव के गरीब असहाय लोगों से भी वसूली किया है, जिसने किसी को नहीं छोड़ा, हर महीने वसूली किया है, चाहे वह गांव का प्रधान हो, कोटेदार हो या थाने का सिपाही हो, तहसीलदार हो, सबसे लूटपाट किया है। पार्टी ने उसे ही प्रत्याशी बनाया है, जबकि इस विधानसभा की पूरी जनता ने कहा था इसे यहां से हटाया जाए। इससे बड़ा भ्रष्टाचारी और इससे बड़ा बेईमान पूरे प्रदेश में कोई विधायक नहीं होगा। सर्वे में भी यहां से यही रिपोर्ट गया था। लोग कहते थे कि क्या भाई, यही विचारधारा है। कार्यकर्ताओं को शर्मिंदा होना पड़ता था, लेकिन पार्टी ने इसे टिकट दे दिया है, जिसके विरोध में जनभावनाओं को देखते हुए हमें मैदान में आना पड़ा है, जिसने कोई विकास नहीं किया सिवाय भ्रष्टाचार के। आज यहाँ नौजवानों को रोजगार का मुद्दा है और गन्ना किसानों को पेमेंट का मुद्दा है। भारत नेपाल की ठूठीबारी सीमा पर बसे कस्बे ठूठीबारी को टाउन एरिया बनाने का मुद्दा है। मैं इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूँ। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, हूँ और रहूँगा, लेकिन पार्टी ने यहाँ पे जन भावनाओं को ठेस पहुँचाते हुए, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को धूम दूषित करते हुए यहाँ पे ऐसे अयोग्य व्यक्ति को टिकट दिया, जिसके बारे में यहाँ की जनता यह कहती थी कि इसको यहाँ से हटाया जाए, इससे बड़ा भ्रष्टाचारी, इससे बड़ा बदतमीज, इससे बड़ा घूसखोर कोई विधायक पूरे प्रदेश में नहीं है। और सबने लिखित दिया था, सारे सर्वे में पूरी जानकारी थी। और वास्तविक स्थिति यह है कि यह आदमी विधायक होने के बाद से सिर्फ वसूली में लगा रहा, वह गांव के गरीबों को भी नहीं छोड़ा, अपनी वसूली में पैसा महीना लेता रहा सबसे, चाहे वह प्रधान हो, कोठेदार हो, तहसीलदार हो, सिपाही हो, दरोगा हो थाने का। और इसने भ्रष्टाचार को एक नया स्वरूप दे दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के बावजूद इस विधानसभा के सभी कार्यकर्ता और विधान और समर्थित जनता अपने आप को 5 साल शर्मिंदा महसूस की, क्योंकि लोग कहा करते थे चौराहों पर, काहे भाई यह विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, उसके भ्रष्टाचार के विरोध में, उसकी बदतमीजियों के विरोध में आज जनता हमारे साथ है। और आज का मुख्य मुद्दा उसका अत्याचार ही है। और इसके बाद जो विकास, जिस विकास पे उस आदमी ने 5 साल ध्यान ही नहीं दिया सिवाय वसूली के, उन विकास के रुके हुए कार्यों का मुद्दा है, नौजवानों को रोजगार का मुद्दा है, किसानों को गन्ना पेमेंट का मुद्दा है, यहाँ पे जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है ठूठीबारी, वह आज तक नगर पंचायत नहीं बन पाया इनके निकम्मापन में, मिठौरा नगर पंचायत नहीं बन पाया इनके निकम्मेपन में। तो यह बहुत सारी चीज़ें जो इनके नाते बाधित हुई, यहाँ का विकास बाधित हुआ, उस विकास को कराना है और भ्रष्टाचारी को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए हटाना है। जिंदाबाद।